मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरमुहा गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चाचा ने अपने ही दो भतीजों पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। बता दें कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चाचा ने अपने ही दो भतीजे अनूप परिहार और आशीष परिहार को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। गोली लगने से अनूप और आशीष गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी राघवेंद्र परिहार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। इसी क्रम में एएसपी सोनाली दुबे ने बताया है कि चाचा और भतीजे के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ा कि बाद गोलीबारी तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहपुरा भटोनी से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। शहपुरा जो है वहाँ पर एक मगर मुहा करके एक जगह है, वहाँ के जो राघवेंद्र परिहार थे उनका एक जमीनी विवाद था अपने भाइयों से, तो गुस्से में आके राघवेंद्र परिहार ने जो है गोली दो फायर शूट किए थे उन्होंने, और उन्हीं के भतीजे हैं, एक जो है उसका नाम है आशीष और एक का है नाम है अनूप, उन दोनों ही बच्चों को वो गोली लगी। पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें आरंभ कर दिया है और भी अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिसपे मगरमुहा निवासी आशीष परिहार और अनूप परिहार के बाजू में उनके चाचा रिश्ते के चाचा रहते हैं, जिनका कि मकान निर्माणाधीन है। इसी बात को लेके इन लोगों के बीच में आपस में विवाद होता रहता है और उसी बात को लेके कल दिनांक को भी विवाद हुआ था। विवाद के दौरान इनके जो चाचा हैं और एक रिश्ते के अन्य चाचा राजमणि राघवेंद्र और राजमणि के साथ में विवाद हुआ था। विवाद दौरान राघवेंद्र ने अपना उससे फायर किया है, जिसके फलस्वरूप आशीष को और अनूप को चोटें आई हैं और इनका इलाज शासकीय अस्पताल मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चल रहा है।